शिव की याद रहेगी, तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। ओम शांति। हमारे बीच आदरणीय गीता दीदी जी हैं, आप प्रकाश डालेंगे कि संस्कारों व विचारों की भिन्नता के बीच भी हमारे संस्कार विचारों में भिन्नता हो सकती है, ऐसे में भी हमें सद्भावना का माहौल बनाने का श्रेष्ठ कर्म करना है। हमारा ऐसा कर्म श्रेष्ठ हो जिससे सद्भावना का माहौल बने। आदरणीय गीता दीदी जी, ओम शांति। संसार खेल की ये एक मूलभूत बात है कि इसमें हर एक्टर अपने आप में अद्वितीय है, यूनिक है, और यही इसकी सुंदरता भी है। अगर सभी एक ही प्रकार के स्वभाव संस्कार बुद्धि वाले हों तो हमें ये सृष्टि का खेल इतना
रसप्रद महसूस नहीं होता, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है उसको नवीनता चाहिए, विविधता चाहिए। इसलिए सृष्टि का खेल ही विविधता का है, एक न मिले दूसरे से, हरेक की अकल अलग अलग है, शकल भी अलग अलग है। एक ही प्रकार की शकल होती तो कितना गड़बड़ हो जाता। कोई दो भी सिमिलर फेस वाले होते हैं तो भी कितनी मुश्किल होती है। और विज्ञान भी कहता है कि हरेक की फिंगर प्रिंट भी भिन्न भिन्न है, हरेक के बाल भी अलग अलग है। इस वैविध्य को स्वीकार करके हम उसका आनंद ले सकते हैं। हर देश की अपनी भौगोलिक स्थिति है, नेचुरली उस अनुसार हरेक देश हरेक प्रांत के आहार विहार अलग है, पहरवाइश अलग है, भाषा अलग है, रस्म रिवाज अलग अलग हैं। पर्टिकुलर हमारा भारत देश, हर प्रांत की अपनी सुंदरता है, और इसलिए हमारी संस्कृति की विशेषता ही ये बताई जाती है कि विविधता में एकता। तो इस मूलभूत बात को, इस बनाए खेल की इस सुंदरता को स्वीकार करके ही हमें जीवन में आगे बढ़ना है। हम सभी ये भी जानते हैं कि एक अकेला सब कुछ नहीं कर सकता है। कितना भी अपने आप में सक्षम हो तो भी हमें सर्व के सहयोग की आवश्यकता है। कहते हैं ना कि जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती। देखने में सुई एक नाचीज क्षुल्लक चीज लगती है, परंतु उनका अपना महत्व है। इस प्रकार इस संसार के खेल में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, हरेक की अपनी विशेषता है, हरेक का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर उस बात को हम महत्व दें तो हमें कोई भी व्यक्ति नाचीज या अनावश्यक महसूस नहीं होगी। आवश्यकता है कि उस आत्मा की जो स्पेशलिटी है उसको हम देख पाएं,
समझ सके। मनुष्य वैसे भी सामाजिक प्राणी है, वो अकेला जी नहीं सकता है, उससे अनेकों से संबंध है और सबके साथ मिलकर ही वो जी सकता है। तो हमें एक दो को समझने की आवश्यकता है। मेरे अपने अनुभव से मैं ये बात बता सकती हूँ कि जितनी स्वयं की सेल्फ रियलाइजेशन एक्यूरेट एंड क्लियर होती है, तो हम दूसरों को भी एक्यूरेट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम अपने आप को साक्षी होकर देखें, स्वयं से डिटैच होकर खुद को देखें, तो हम स्वयं भी अपने आप में संपूर्ण नहीं हैं। हमारे अपने अंदर भी कई प्रकार की कमियां हैं, कमजोरियां हैं। जब सामने वाली अन्य व्यक्ति के लिए हम सोचते हैं, क्योंकि हर एक का अपना सोच है, अपना व्यवहार है, अपने तौर तरीके हैं, हर एक की अपनी मान्यताएं हैं, तो नेचुरली हर एक का व्यवहार भी भिन्न भिन्न होता है। तो हम सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों करते हैं, ये ठीक नहीं है, ऐसे कैसे हैं ये। परंतु जब दूसरों के लिए हम सोचते हैं कि ऐसे हैं, वैसे हैं, कैसे हैं, उस क्षण हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हम खुद भी कैसे हैं। हम भी परफेक्ट नहीं हैं, हमें भी अन्य अंडरस्टैंड करते हैं, एडजस्ट करते हैं। हम जो हैं, जैसे हैं, अन्य हमें भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जब एक्यूरेट सेल्फ रियलाइजेशन होती है, तो कितने भी भांत भांत के स्वभाव, संस्कार, विचार, मान्यता, व्यवहार वाले लोगों को भी हम समझ सकते हैं। हमारे मन में उसके लिए फिर कोई विरोधाभास उत्पन्न नहीं होगा, हम उनको एक्सेप्ट कर सकेंगे। जैसे हम सभी जानते हैं कि स्वयं परमपिता शिव बाबा, हम बच्चों को भी कहते हैं ना कि आप जो हैं, जैसे हैं, मेरे हैं, है ना। एक सुप्रीम पावर, हम वैरायटी आत्माओं को कलयुग के अंत तमो प्रधान बनी हुई हम आत्माओं को स्वीकार करते हैं। तो हमें भी प्रैक्टिकल जीवन में जो भी हमें साथी मिले हैं, संबंधी मिले हैं, सहकार्यकर्ता मिले हैं, हमें उनको दिल से एक्सेप्ट करना है। वो जो हैं, जैसे हैं, उस लिमिटेशन के साथ हमें उनको स्वीकार करना होता है, क्योंकि जो भी हमें मिले हैं वो ऐसे ही नहीं मिले हैं। जरूर कोई कर्मिक अकाउंट से मिले हैं,
ये विश्व ड्रामा कोई आकस्मिक नहीं है, कोई हफाजेड नहीं है, बहुत व्यवस्थित ये बना बनाया खेल है। इसलिए उसके पीछे राज है। इस राज से जब हम सबको देखते हैं, जिसको कहते हैं त्रिकालदर्शी बनकर, अर्थात आदि मध्यांत सोच समझ कर ज्ञान स्वरूप बनकर हम एक दो को देखें, समझें, स्वयं से भी साक्षी होकर और अन्य आत्माओं के रोल को भी साक्षी होकर देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि एक्यूरेट हर कोई पार्ट बजा रहा है, क्योंकि संसार का खेल जिस कर्म सिद्धांत पर चलता है वो कर्म सिद्धांत एक्यूरेट है, अटल है। तो हम बहुत शांति से, प्रेम से, मानसिक भी कोई विरोध ना पैदा कर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और देखने में वैरायटी है, अलग अलग स्वभाव, संस्कार, आदतें, व्यक्तित्व, चरित्र हैं, परंतु एक कॉमन कॉर्ड हम सबके बीच में है। वो एक सर्वसामान्य सूत्र सत्य हम सबके बीच कौन सा है, जो स्वयं परमात्मा पिता ने हम आत्माओं को बताया है कि हम सभी आत्माएं ओरिजिनली अपने असली मूलभूत गुण स्वरूप में हम सभी शुद्ध हैं, सत्य हैं, पवित्र हैं, शांत आनंद प्रेम स्वरूप हैं। इस वर्ल्ड ड्रामा में पार्ट प्ले करते करते प्रकृति और समय के संसर्ग में आते आते हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज में परिवर्तन आ गया है। इसलिए आज हमारे विभिन्न विचित्र विविध स्वरूप बन गए हैं, पर ओरिजिनली हर आत्मा सत्य है, शांत है, आनंद प्रेम स्वरूप है। हर आत्मा एक दिव्य ज्योति चैतन्य शक्ति है। अगर इस मूल सत्य को हम बुद्धि में रखकर एक दो को देखते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि ओरिजिनली ये खराब नहीं है, ओरिजिनली हर कोई शुद्ध और सत्य आत्मा है, पर वर्तमान समय उनके ये संस्कार है या उनकी ये स्थिति है। तो अगर हम सर्व आत्माओं को उनके असली गुण स्वरूप की दृष्टि से देखेंगे तो हम उनके सूक्ष्म भाव को समझ सकेंगे। कई बार हम शब्दों को पकड़ते हैं पर भाव को नहीं देखते, और शब्दों को पकड़कर हम कलह क्लेश में आ जाते हैं कि ऐसा क्यों बोला आपने, आप अपने शब्द वापस लीजिए।
बहुत बड़े झगड़े हो जाते हैं, परंतु अगर उनका भाव शुभ है, कल्याणकारी है, तो उनके वो शब्द हमें कड़वे नहीं लगेंगे, क्योंकि उनकी भावना हमारे लिए अच्छी है या उसमें हमारा कल्याण है। तो ये शुभ भावना और गुणग्राही दृष्टि ये बहुत जरूरी है हमारे आपसी संबंधों में तालमेल लाने के लिए। जब हम देहाभिमान में आते हैं, हम इगोइस्टिक बनने लगते हैं। अभिमान के कारण हम अपने आप को ऊंचा, दूसरे को कम समझने लगते हैं। हमें अपने विचार, अपनी राय, अपने प्लान, अपने आइडिया का अभिमान बुद्धि में रहता है और हम उसे ही सत्य समझने लगते हैं। फिर हम वो ही मनवाने की जिद करते हैं और उनको ही सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। पर हर आत्मा को अपना विचार देने की स्वतंत्रता है, वाणी की स्वतंत्रता है, हर अस्तित्व को ये अधिकार है कि वो अपना विचार दे सकते हैं। पर सूक्ष्म में जब हमें अपनी बुद्धिमत्ता या अपनी पोस्ट पोजीशन का अभिमान होता है, तो हम दूसरों के विचारों को समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने विचार थोपने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम उनको पूरा सुनते भी नहीं, कई बार हम उनका अपमान भी कर देते हैं। परंतु एक अच्छे लीडर, एक अच्छे मैनेजर, एक अच्छे रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने साथियों को सुने, समझे। इससे हमें फायदा है कि हरेक के मन में हमारे लिए क्या चल रहा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हरेक के मन में क्या है, वो हम समझ सकते। इससे हम असेसमेंट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट हर किसी के विचार को हमें धीरज से डिटैच होकर सुनना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। हम उनसे एग्री नहीं हो रहे हैं, पर हम उनको सुनने के लिए तैयार है, ऐसा रवैया तो हमारा होना ही चाहिए। और जैसे बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपना आइडिया देता है, विचार देता है, उस समय वो उसे सही समझता है इसलिए वो कह रहा है। तो उस समय अगर हम सुने भी नहीं और रिजेक्ट कर दें, तो उनको अपमान फील होगा। इसलिए हमें सुनना चाहिए और एप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने बहुत अच्छी तरह अपनी बात सबके सामने रखी, फिर भले हम उस पर गौर करके वो राइट है नहीं है या कितने परसेंटेज में सही है या उसमें और क्या हमें ऐड करने की जरूरत है, वो हम अपनी राय देंगे, तो उसकी बुद्धि भी रिसेप्टिव बनेगी और वो स्वीकार कर सकेंगे। और
और मान लो किसी का विचार टोटली अपोजिट है, तो उस समय भी हमें, भले हम उनसे सहमत ना हो, हम सुने, अपने आप में समाएं और साक्षी बनकर हम अपनी शुभ भावना रखें कि अभी ये आत्मा नहीं समझ रही है, परंतु हमारी ये शुभ भावना है कि वो अवश्य समय आने पर समझेगी। पर हमें एकदम व्यवहार नहीं बिगाड़ देना चाहिए। और जब हम ये समझते हैं कि मेरे तरफ से जो व्यवहार हो वो किसी के व्यवहार पर आधारित नहीं होना चाहिए, मेरी अपनी अच्छाई पर आधारित होना चाहिए। कई बार हम कहते हैं उसने कहा ऐसा ना कि गुस्सा आ गया, उसने किया ऐसा ना कि हमको नाराजगी हो गई, परंतु नहीं, हमारी स्थिति, हमारा व्यवहार, हमारी वाणी का आधार और व्यक्ति का व्यवहार नहीं हो सकता, ना हम होने दे। कोई कैसा भी हो, मुझे अच्छा व्यवहार इसलिए करना है क्योंकि मैं स्वयं अच्छी हूँ, मैं ज्ञानी तु आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। तो अगर हम अपनी महानता को याद रखें और जीवन के कुछ सिद्धांत हम बना ले कि कोई कुछ भी करे मुझे अपनी अच्छाई से ही चलना है, तो हमारा व्यवहार, उसके कैसे भी व्यवहार के बावजूद भी, न नकारात्मक बनेगा न खंडनात्मक बनेगा, और उसके कारण हमारा संगठन, हमारी एकता, आपसी सहयोग बना रहेगा, और ये बहुत जरूरी है। इसलिए मुश्किल नहीं है। एक बहुत बड़े परिवार के बीच हम गए थे, तो उनसे बातचीत करते हमने कहा कि आप कैसे इतने सब साथ रहते हैं, वैरायटी संस्कार है, बहुत कई बार एडजस्ट करना पड़ता, टाइम वेस्ट होता होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, एक ही बात उन्होंने बताई कि अगर हमारा सबसे प्यार है तो एक दो को हम बहुत सहज रीति सहन कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। दादी गुलजार जी ने भी एक बार बताया था, हमने जब पूछा कि दादी संस्कार मिलन करना बड़ा मुश्किल है, तो दादी ने बहुत सिंपल एक ही वाक्य में कहा कि अगर हम चाहें तो हो सकता है, अगर हम चाहें कि हमें मिलके चलना है तो सब कुछ संभव है। इसलिए एक दो के प्रति शुभ भावना, ऊंची नजर, गुणग्राही दृष्टि और सबकी आवश्यकता को हम महसूस करते हैं तो मिलके चलना और सफलता को पाना आसान है। ओम शांति। 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। प्यारे बाबा तुम्हारे
हमारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार, नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना, नाहद में ठहरना, सदा नदिया सा बहते रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। जैसे हो गुलिस्तान खिले, होठों को मुस्कान मिले, जग को जीवन दान मिले, आए गम की ना हवाएं, देते रहो दुआएं, नहीं अब गुण को मन में धरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। कथनी करनी एक बने, कर्म तुम्हारे नेक बने, देख के और अनेक बने, देख के और अनेक बने। तुमको योगी बन के रहना, पावन पावन से बनना, जैसे निर्मल सा झरता झरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार।